जय बाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महावतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदि शंकराचार्य जी और मेरे श्रीधरी गुरु को प्रणाम करके आज के सत्संग के विषय की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आज का सत्संग का विषय है पंचदशी मंत्र, जो श्री विद्या साधना में दीक्षा के रूप में दिया जाता है। वो पंचदशी मंत्र का जाप मेंटली करना है या फिर लाउडली करना है, यानी मानसिक उसका जाप करना है या उच्चारण करके शब्दों का उसका जाप करना है माला के ऊपर। इनमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने पंचदशी की दीक्षा तो ली हुई रहती है पर उनको सही प्रकार से आगे का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। हमारे ब्लॉग के ऊपर त्रिविद्यापीठम और हमारा ये त्रिविद्यापीठम यूट्यूब चैनल है तथा हमने कुछ हफ्ते हो गए हैं श्री विद्या का एक ऑनलाइन कोर्स भी जो ब्लॉग के ऊपर प्रकाशित किया है, तो उस ऑनलाइन कोर्स का भी बहुत सारे लोग अभी लाभ उठा रहे हैं। कुछ विदेशी लोग, फॉरेनर्स ने भी उसको लाभ लिया है कि उन फॉरेनर्स ने भारत देश में आकर पंचदशी की श्री विद्या की दीक्षा अलग अलग जगहों से ली हुई थी पर उनको हमारे श्री विद्या एसेंशियली ऑनलाइन कोर्स से और गहराई तक नॉलेज मिला। क्योंकि होता क्या है मित्रों कि बहुत सारे लोग श्री विद्या को एक आकर्षण समझ के भोग और मोक्ष, प्रॉस्पेरिटी, नाम और फेम मिलेगा, ललिता परमेश्वरी बहुत कुछ अलग अलग प्रकार के चमत्कार दिलाएंगे, दिखाएंगे, ऊपर उठना हो जाएगा उस विद्या से, इस प्रकार से एक मन में लोगों की भावनाएं भरी जाती है आकर्षण के और लोग आकर्षित होके शिविरों में चले जाते हैं श्री विद्या के और सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठते हैं और उनको मेडिटेशन करवा के उनको पंचदशी का मंत्र दिया जाता है। एक्चुअली ये तो दीक्षा है ही नहीं, ऐसी हजारों की दीक्षा होती ही नहीं है। अगर पंचदशी मंत्र को गुप्त मंत्र कहा गया है और उसको किसी को शेयर नहीं करने को कहा है तो हजारों को एक समय किस प्रकार से ये मंत्र मिल सकता है, ये भी एक रहस्य वाली बात है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि पंचदशी मंत्र है, ये पंचदशी मंत्र गुप्त नहीं है बल्कि पंचदशी मंत्र में जो छुपे हुए राज है जो गुरु परंपरा से आते हैं और गुरु परंपरा से जब आते हैं और शिष्य के ऊपर गुरु का एक विश्वास बैठता है तभी जाके जब पंचदशी मंत्र की दीक्षा दी जाती है तब गुरु पंचदशी में क ए ई ये जो शब्द है उस क में क्या अर्थ छुपा हुआ है, ए शब्द में क्या अर्थ छुपा हुआ है, ई शब्द में क्या अर्थ छुपा हुआ है, ये सारे रहस्य बता देता है। जब तक ये रहस्य आप समझ नहीं पा सकते या समझते नहीं है गुरु के साथ बैठ के, गुरु के साथ रूबर होके, तब तक आपको इनके ये आप भले ही मानसिक जाप करो या माउथली उसको जाप करो इसका कोई उपयोग नहीं। क्योंकि अब आप देखिए दसों महाविद्याओं के दस मंत्र आप देखिए, उन दसों महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या षोडश यानी ये श्री विद्या है, तो सिर्फ श्री विद्या का मंत्र ऐसा है कि उसमें षोडशी ललिता का नाम उसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी नौ महाविद्याओं में जैसे कि काली महाविद्या है तो काली के मंत्र में काली का नाम ऐड है, बगलामुखी है तो बगलामुखी के मंत्र में बगलामुखी का नाम ऐड है, ऐसे नौ महाविद्याओं में उनके उनके मंत्र में उनकी देवी का नाम ऐड है। बस ये जो षोडशी या ललिता जिसे कहा जाता है, त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है, राजराजेश्वरी कहा जाता है, उसका जो पंचदशी और षोडशी का मंत्र है इनमें उस देवी का नाम नहीं है। बल्कि अगर बाला का मंत्र आप देखें तो ऐंकलिंगसो तीन बीजाक्षर है, ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र देखे तो वो 15 बीजाक्षर है, कयेलरिंग, हसकलरिंग, सकलरिंग, और षोडशी का मंत्र देखे तो षोडशी के मंत्र में रिंग, कयेलरिंग, हसकलरिंग, सकलरिंग, तो ये जो सिर्फ बीजाक्षर है इन बीजाक्षरों में ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी ऐसे नाम इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है, इसका राज क्या है? ये साधना जब बनाई गई तो ये क्यों, किस प्रकार से बनाई गई, कभी आपने ये राज जाना है क्या? निराकार तत्व लोग जो होते हैं वो निराकार तत्व को मिलने के लिए जाते हैं, वो शिवा को मिलने के लिए जाते हैं जो निराकार है। पहले आप ये नहीं समझ पाते कि उस शिवा ने संकल्प डाल के शक्ति के साथ सम्मिलित होके निराकार से ये आकार रूप धारण कर लिया और उस शिवा ने पहले कहा है कि मुझे आकार रूप में
जो में बसा हुआ हो उसका अभ्यास करो और आकार रूप से निराकार रूप में समाहित हो जाओ। पहले हमने आकार रूप को ही ठीक से नहीं देखा है, अब ये मित्रों निराकार से आकार आते कहाँ से है कि ये निराकार से आकार आने की जो प्रोसेस है इसमें नाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निराकार अगर ओम है तो ओम से 51 बीजाक्षरों की उत्पत्ति हो चुकी है, जिसे हम माउथली हर एक भाषा में यूज करते हैं या मंत्रों में उच्चारण करते हैं, और ये स्थूल में हम लिख सकते हैं, स्थूल में हम बोल सकते हैं, और इन बीजाक्षरों को 51 बीजाक्षरों से ये सारी सृष्टि निर्माण हो चुकी है जो स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत भी है। तो जो 51 बीजाक्षरों से बने हुए ये सारे एक ऊर्जाएं है उनको पहले स्थूल जगत में हमें समझना होगा। इनको जब हम समझेंगे और इन 51 बीजाक्षरों की ऊर्जा एक ऊर्जा में ट्रांसफर होगी जो ओम है, जो निराकार है, तभी जाके वो राज आपके सामने खुल पाएंगे। लोगों को यही पता नहीं है कि ये बालक का मंत्र ऐं क्लीं सौः है, उसमें ऐं क्या है, क्लीं क्या है और सौः क्या है। ये जो पंचदशी मंत्र है उसमें 15 अक्षर है, क का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है, बल्कि पहला अक्षर जो क आता है पंचदशी में वो शिव शक्ति किस संकल्प से वहां पे है। उसके बाद ह अक्षर आता है, कैलेला रिंग ह। अब ये ह अक्षर में शिव शक्ति किस प्रकार से है, उनमें कौन सा संकल्प है। सकल रिंग में जो स आता है उसमें शिव शक्ति किस प्रकार से है, इसके रहस्य ही हमें बताए नहीं है मित्रों। पहले ये रहस्य समझा करो। अगर आप सोचो कि आपके सामने किताबें लाके रख दी, पेन पेंसिल कंपास सारे लाके रख दिया, पर आप सिर्फ स्कूल में गए और स्कूल में जाके सिर्फ एक प्रकार से स्कूल के जमीन को नमस्कार करके फिर से घर वापस आ गए और घर वालों को कहा कि मैं स्कूल में गया। अगर ऐसे करते रहोगे तो जो आपके दफ्तर में अथवा आपके बैग में जो सारी किताबें है जिसमें ज्योमेट्री है या फिर इतिहास है या मैथ्स है साइंस है, उन विषयों का अभ्यास कैसे करेंगे, उन विषयों को कैसे समझोगे। वो किताबें लेकर पीठ के ऊपर टांग कर स्कूल में जाने से वो विद्यालय दिमाग में नहीं घुस पाती, उनको पढ़ना होता है, गुरु का संगत चाहिए। अगर सच में सारा झट से मिल पाता तो मित्रों इन सारे इतने सारे ज्ञान की इतने सारे विषयों की आवश्यकता ही नहीं होती, कोई स्कूल में ही नहीं जाता। तो ये विस्तार बना किस लिए है, ये निराकार से आकार बना किस लिए है, ये पहले समझो। लोग षोडशी के मंत्र की दीक्षा लेते हैं, लोग ये नहीं समझते कि पंचदशी के बाद षोडशी की दीक्षा लेते हैं तब कम से कम एक साल तक गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक है, क्योंकि पंचदशी में क ए ई ला ये सब जो शब्द है इनके रहस्य पहले गुरु से समझा के लेने चाहिए। ये आप मंत्रों के जाप करेंगे तो उससे नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोग हमारे श्री विद्यापीठम में आते हैं कि ये अलग अलग नॉलेज लेने के लिए, बहुत सारे जगहों से आते हैं, बहुत सालों से पैसे खर्च किए होते हैं उन्होंने। कुछ कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि जिनके घर 5-5, 10-10, 16-16 त्रियंत्र घर पे रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वो रहस्य भेद ही पता नहीं है। पंचदशी की 3-3, 4-4 बार दीक्षा लेते हैं कहीं कहीं से, और उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, बल्कि गुरु को पता नहीं है कि शिष्य का नाम क्या है, शिष्य को पता नहीं है कि गुरु हमें कब बुलाएगा, क्योंकि शिष्य और गुरु का रूबरू मिलन ही नहीं हो पाता। जब तक आप गुरु से पूछेंगे नहीं, गुरु जी ये क का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है। आप दुर्गा सप्तशती करते हो श्री विद्या को लेकर, आप विद्यात्मक दुर्गा सप्तशती करते हो, आप महामृत्युंजय की दीक्षा ले हुए हो, आप मृत्युंजय की विद्या, संजीवनी की विद्या, ये सारे विद्याएं मंत्र आप जाप कर रहे हो, इन सारे मंत्रों का मूल जो है वो पंचदशी ही है। एक एक पंचदशी के 15 तत्व आप समझ के ले लीजिए, आपको सारे जो मंत्र है उनमें रहस्य आपको अपने आप दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये जो पंचदशी है उसमें क का टोन क्या है, ये टोन नाद जब प्रकट होता है तो क्या होता है, ए का नाद जब प्रकट होता है तो क्या होता है, तो ये पहले समझ में आना चाहिए। एक घड़ाई होती है, वो घड़ाई करने के लिए पहले हमें माउथ से हमें उस मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है, और वो तभी जाप होगा कि जब हम उस मंत्र के बीजाक्षरों को समझेंगे। अब मित्रों इस पंचदशी मंत्र में 3 बार रिंग ये बीजाक्षर आया हुआ है, तो ये रिंग है, इस रिंग में कितने सारे नाद है, ये पहला रिंग क्या दर्शाता है, दूसरा रिंग क्या दर्शाता है, तीसरा रिंग क्या दर्शाता है, ये हमें उसमें जो बियॉन्ड द साइंस है वो समझ में आना चाहिए।
हम सिर्फ बोलेंगे कि वो पराविद्या है, वो ब्रह्म विद्या है, ऐसे बचकाने विषयों से ये सब कुछ नहीं हासिल हो पाता। हमें गुरु के साथ बैठ के ये सब कुछ सीखना चाहिए। हम हमारे श्री विद्यापीठम में हमारे जो साधक आते हैं उनको तो ये सारा नॉलेज देते ही है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, कि जिस प्रकार से एक कम से कम आपको, हम ये नहीं कहते कि सारा नॉलेज ही आपको आ जाएगा ऊपरी जगत का, पर जितना आवश्यक है वो बेस तो आपका अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे कि गुरु ने मुझे दीक्षा दी हुई है, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, गुरु मुझे कभी ना कभी बताएंगे, तो मित्रों मेरे पास 10 10 15 15 सालों से किसी किसी संस्था में पंचदशी की दीक्षा लिए हुए लोग आ रहे हैं, उनको मैं बेसिक चीजें पूछता हूँ या फिर मेरे यूट्यूब और ब्लॉग देखते हैं उसमें सारा नॉलेज देखते हैं, तो उनको उसमें से 1% भी कभी बताया नहीं होता या फिर वो अंदर से प्रकट नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा नेचुरल होना सीखिए मित्रों। ये पंचदशी या त्रिविद्या जो है ये बच्चों का खेल नहीं है कि हजारों में बैठो और उसका जाप करो। गुरु के साथ संगत अत्यंत आवश्यक है। पंचदशी में क ए ल ऋ इन हर एक बीजाक्षरों के रहस्य हमें पता होना चाहिए। जिस प्रकार से निराकार शिव ने शक्ति शक्ति के साथ मिलके इस सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार से पंचदशी के जो 15 बीजाक्षर है इन 15 बीजाक्षरों को समझ के हमें अपनी ये जो ब्रह्मांड है, ये शिव शक्तिमय रूप ब्रह्मांड है, उसकी ऊर्जा एक प्रकार से उसको प्रस्फुटित करना है, उसमें एक संकल्प डालना है। और इस त्रिविद्या में पंचदशी मंत्र जो होता है वो दो रूप से चलता है, एक संहार क्रम से चलता है, एक सृष्टि क्रम से चलता है। और ये संहार क्रम क्या है, सृष्टि क्रम क्या है, इसके संकल्प क्या है, इसके महत्व भी हमें समझ में आने चाहिए। सिर्फ मंत्र का जाप करके नहीं होता ये। श्री विद्या भोग और मोक्ष के लिए कही गई है, पर भोग मिलेगा कैसे, मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष की व्याख्या आज तक श्री विद्या में किसी ने नहीं की है, वो रहस्य पहले आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों पंचदशी मंत्र जो होता है पहले उसको माउथ से बोला जाता है, बाला हो षोडशी हो, मित्रों ये बाला का मंत्र हो, पंचदशी का मंत्र हो, षोडशी का मंत्र हो, तो ये पहले माउथ से बोला जाता है, क्योंकि साधना को जन्म देना आवश्यक है। जैसे कि माँ जो होती है गर्भ में बच्चा जब होता है तो 9 महीने हर एक महीने में उसका एहसास लेती है। जन्म होने के बाद बच्चा जैसे बड़ा बड़ा हो जाता है तब माँ और बेटे का एक इंटरेक्शन होता है। तो वैसे ही साधना जो होती है आपको पहले साधना को संकल्प देके जन्म देना पड़ेगा। जन्म देने का रहस्य ही पता नहीं है आपको कि किस प्रकार से जन्म देना है, उसकी घड़ाई किस प्रकार से करनी है। जैसे कि आप है, आप कभी छोटे थे, आप छोटे से बड़े हो गए, तो आपके माँ बाप ने किस प्रकार से आपको सहारा दे के समझा के सारी इच्छाएं या फिर जहाँ गलत हो रहा है वहां पे जो फटकारे लगा के आपके ऊपर सही संस्कार देके खड़ा कर दिया, आपकी घड़ाई हो गई। तो वैसे ही साधना है, सिर्फ दिखती नहीं है पर वो होती है, उसकी ऊर्जा होती है। काल्पनिक ऊर्जाओं में मत जिए, वास्तविक ऊर्जा जो होती है जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जा कहा जाता है, महाशक्ति की ऊर्जा कहा जाता है, उस साधना को पहले जन्म, पहले पंचदशी मंत्र को गर्भ में धारण करो, उस गर्भ में उसको जन्म दे दो, उसमें शक्ति बुलाओ, उस शक्ति का गर्भ का एहसास लो। जन्म होने के बाद जब शक्ति एक प्रकार से आपको अपने आसपास दिखाई देने लगेगी या ऊर्जा महसूस होने लगेगी तो उसके साथ बातचीत करो, क्योंकि साधना जो होती है साधना सिर्फ करके कुछ नहीं होता, उसका यूटिलाइज भी करना अत्यंत आवश्यक है। यूटिलाइज करने का तरीका भी होता है। और साधना जो होती है फलीभूत क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हम साधना को निर्माण करने के बाद उसके साथ जो बातचीत होती है वो बातचीत नहीं रख पाते। अगर आप उस साधना से बातचीत करोगे तो आप साधना जो है वो शक्ति है, वो साधना वो पंचदशी मंत्र के जाप हो, षोडशी हो, एकलिंग हो या फिर कोई भी मंत्र हो किसी भी देवता का, उस शक्ति से आप बातचीत करोगे तो वो शक्ति जो होती है आपसे बॉन्डिंग क्रिएट करेंगी, और आपको जो आपका सवाल होगा इस सृष्टि के विषय में वो इनडायरेक्टली आपके मन में वो उसका जवाब वो लाकर दे देंगे। ये घड़ाई होती है मित्रों, इसलिए ये क्रिया एक छोटी क्रिया नहीं है कि मैं आपको 15 20 मिनट के सत्संग में सुना सकूं, एक पूरी घड़ाई है। इसके लिए आपको अलग अलग विषयों का अभ्यास करना पड़ेगा, अपनी बौद्धिक क्षमता है वो विस्तारित करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि मेरे पास आएंगे शिविर हो गए पंचदशी के मंत्रों से ये सब होगा, बहुत सारे अलग अलग विषयों का नॉलेज भी देना पड़ेगा।
शक्ति को ठीक से समझ के लेना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो पंचदशी मंत्र है या षोडशी हो बाला का मंत्र हो, इसको पहले मुंह से उच्चारण करके करना आना चाहिए। और जैसे आप मुंह से उसका उच्चारण करेंगे तो अपने आप उस शक्ति को आप महसूस होने लगेगा आपको वो अंदर ही अंदर। और वो अंदर ही अंदर जब महसूस होने शुरू हो जाएंगे तब एक समय आएगा कि ये मुंह से उच्चारण आपका बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी। ये कल्पनाओं से नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कहेगा कि मानस में करो मुंह से मत जपो, ये कोई कहता है इसलिए नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली आंतरिक क्रिया होती है और ये स्थूल जगत या स्थूल बॉडी की क्रिया नहीं होती, सूक्ष्म बॉडी की उसमें क्रिया होती है। इसलिए उसका पहले पूरी ठीक प्रकार से अभ्यास कीजिए मित्रों, और ये पूरा सत्संग फिर से एक दो बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अलग अलग जो लोग होते हैं अलग अलग साधना तो करते हैं पर साधना का इफेक्ट क्यों नहीं आता, उसका पहले रहस्य हमें समझ में आना आवश्यक है। मित्रों आपको और ज्यादा गहराई से नॉलेज चाहिए तो हमारा ब्लॉग देखिए त्रिविद्यापीठम, आप चाहे तो हमारा यूट्यूब चैनल है वो पूरा सुन लीजिए, चाहे तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, उसमें 7 घंटे के अलग अलग प्रकार के नॉलेज से लेकर रहस्य उसमें त्रिविद्या के विषय में बताए है। और उसमें पहली बार हमने श्री विद्या से भोग और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होती है वो रहस्य उसमें दिया हुआ है। और कुछ जानकारी चाहिए सवाल है तो आप मुझे ईमेल द्वारा पूछ सकते हैं, मोबाइल का नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें।